चलो गपशप होगा फिर। देखो इस क्वेश्चन वो उसका जस्ट कन्वर्ज है। इसमें एंगल ये एडी को तुमको प्रूफ करना है कि वो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा। तो गिवन में फिर से लिख लेना, गिवन में क्या लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी अपॉन डीसी इक्वल्स टू एबी अपॉन एसी। इस यहाँ तक अपना गिवन में लिख लेना, ठीक है, इस पॉइंट तक अपना गिवन में लिख लेना। हाँ जी बताओ, मिस कौन है, क्या नाम है, अद्या, कंस्ट्रक्शन बताओ इसका। सर वही ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू डी ए और बी ए को बढ़ा देंगे एफ तक। इसमें भी पैरेलल हाँ करना पड़ेगा सर। ना, इसमें बिना पैरेलल के ही करना पड़ता है। सर लेकिन हम पैरेलल से किए हैं। अच्छा, इसमें पैरेलल करने का जरूरत नहीं है इस। हाँ दो तरीके से है, चलो हम जो बता रहे हैं उस वाले से देख लो फिर, तुमको एक आता है एक मेरा तरीका देख लो। प्रोड्यूस प्रोड्यूस बी ए, प्रोड्यूस बी ए टू ई यस सर, मेरे को समझ में आ गया। सच सच दैट दैट वो दोनों का लेंथ इक्वल हो जाए। बी ए को ई तक प्रोड्यूस करो, सच दैट बी ए इज इक्वल्स टू ए ई एंड ज्वाइन सी ई। ठीक है, पहले बी ए को प्रोड्यूस करो आगे तक, बी ए को ई तक प्रोड्यूस किया, और क्या करना है, सी ई को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ तक कर लेना, यहाँ पे टू प्रूफ में लिख लो। टू प्रूफ क्या करना है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देखो रेशियो क्या बना था हमारा, बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। गिवेन में क्या है, देखो इसका प्रूफ, इसके प्रूफ में लिखो तुम्हारा क्या दे रखा था, रेशियो क्या था, बी डी बाय डी सी इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी, ये दिया हुआ था। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी ए सी ई, ए सी ई में देखो तुम्हारा ए सी किसके बराबर था, ये सॉरी ए बी किसके बराबर हो गया था, क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं हम, प्रोड्यूस एबी ए बी के ए बराबर है टू ई सच दैट, सॉरी सॉरी सॉरी, सी होगा क्या हाँ, गलती हो सर? गई, ए इज इक्वल टू ए सी। ए ई इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए था, क्योंकि इससे फिर प्रूफ नहीं होता दिख रहा था, ए ई और ए सी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा ये गिवेन था रेशियो, ये रेशियो गिवेन था, क्लियर। अगर ये रेशियो गिवेन है तुमको और ए सी और ए ई आपस में इक्वल था, ए सी और ए ई आपस में इक्वल था, तो तुम बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई लिख सकते हो ए सी की जगह पे, बाय कंस्ट्रक्शन तुमने कंस्ट्रक्शन ही यही किया था। यहाँ तक आया समझ में, बोलो बी डी अपॉन डी सी यस सर। इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई, क्लियर। अब देखो फिर से ट्रायंगल ए बी ई में, सॉरी ए बी ई नहीं, ट्रायंगल बी सी ई में देखो क्या रेशियो मिला है हमको, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कन्वर्ज ऑफ थेल थ्योरम से कि ए डी और सी ई पैरेलल है। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट, जो रेशियो यहाँ पे आया बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई, तो देखो इस ट्रायंगल बी सी ई में, ट्रायंगल बी सी ई में बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट ए डी इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, तो आगे यहाँ लिख लो,
सर बात वही नहीं हो गया। एंगल अभी बताएंगे ना, अभी रुको ना, यहाँ से तुमको एंगल को इक्वल दिखाना है ना। यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करके लाए हैं हम, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा तो काम बन जाएगा। सर आप पैरेलल प्रूफ किए, हम पैरेलल कंस्ट्रक्ट किए। अच्छा, लास्ट में तुमको, पैरेलल कंस्ट्रक्ट करके बनाई थी। हाँ, और आप पैरेलल प्रूफ कर दिए। रो सेकेंड स्टेज का कन्वर्ज है। ठीक है, चलो देखो ना, इन ट्रायंगल, पता नहीं वो हम वो चीज पे कभी सोचे ही नहीं है, इन ट्रायंगल बीसी। ठीक है, बढ़िया है ये चीज, तो फिर अच्छा आइडिया बता दी तुम हमको। बीसी में BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AE, इसलिए वी कैन से दैट BD इज पैरेलल टू AC बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। अब देखो, अब एंगल का खेल है सब कुछ। एक चीज बताना, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन में AE और EC इक्वल आया था, कंस्ट्रक्शन से AE और EC इक्वल आया था, तो इस एंगल का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और ये एंगल 2 ले लेते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। इसको 3 ले लो और ये 4 ले लो, बोलो कंस्ट्रक्शन सर में होगा, होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, या फिर रीजन लिख देना AC इक्वल्स टू AE। ठीक है, AC और AE आपस में इक्वल था तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यहाँ पे पैरेलल लाइन जैसे ही प्रूफ हुआ तो एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल होगा, और यस सर। फोर और टू भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब इन तीनों इक्वेशन से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूफ हो जाएगा। उड़ गया हवा में या दिमाग में गया, ऑनेस्टली बताना, दिमाग तक पहुंचा या विलुप्त हो गया सर पहुंच गया। सबके दिमाग में, बताओ। स्वयं, स्मृति, रिद्धिमा, यस मयंक, सर, पहुंच गया ना? यस सर, सर कह ही रहे पहुंच गया। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आपके नाम ले लिया मैंने फिर से, माफी। मयंक, हिमांगी, अंशुल, हाँ हम सर, लोग का छात्र नेता स्वयं है, वो बोल दिया तो मतलब सबका हाँ ई कब से बन गया है छात्र नेता, है सर। क्या बात कर रही है। हाँ जी स्वयं, ऐसा बात है क्या। चलो देखो, तुम्हारा अब यहाँ पे थ्योरम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू थ्योरम नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट हम एक दो भेजेंगे, बात सुन लेना, रोने मत लग जाना। असाइनमेंट जो हम भेजेंगे वो बस एज अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की तरह उसको रखे रखना, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम तुम लोग को करवा रखे। उससे एक फायदा होगा, तुमको नोट्स नहीं ढूंढना पड़ेगा, असाइनमेंट में ही अपना देख लोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब तो आता ही है, ऐसा करके तुम फिर ये चैप्टर फिनिश कर सकते हो। हम दो असाइनमेंट भेजेंगे, हो सके एक दो क्वेश्चन हम नहीं करवाए हो, तो वो एक दो क्वेश्चन देख लेना हम कौन सा नहीं करवाए हैं और उसको बना लेना। ठीक है, आगे बढ़े। तो अप टू थ्योरम नंबर 9 हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब है तुम्हारा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ से जा करके तुमको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानना होगा। तो इसके पहले तक में कुछ दुविधा है, 2-3 मिनट का टाइम है अपने पास, 3 मिनट के अंदर ये दोनों थ्योरम का प्रूफ एक बार बारीकी से देख लो, ताकि हम आगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे आराम से मूव करें। देखो फटाफट थ्योरम नंबर 3 और 4 का प्रूफ को, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। जल्दी देखो,
मिड पॉइंट थ्योरम कर लोगे ना? कहीं दिक्कत? जल्दी नया टॉपिक शुरू करिए सर। चलो फिर ठीक है, अब हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे मूव करते हैं। आज हम कुछ उस पे थ्योरम का प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि अभी दो थ्योरम आज सिखा रखे हैं, फिर दो थ्योरम और आ जाएगा तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। बट दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके कंडीशंस को एक बार अच्छे से समझते चलना, उसका तीनों थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में कभी फिर से सिखा देंगे। अब हम लोग का टॉपिक आगे बढ़ता है, ये टॉपिक तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा मतलब होता है जिसमें तुमको ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, बट हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को तुम लोग के साथ सॉल्व कर ले या डिस्कस कर ले। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिमिलरिटी का प्रूफ देखी थी अद्या? हाँ सारा समझ में आ गया? सर, दो ही देखे थे और वो दो समझ में आ गया। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर तुम कब कब कहोगे, तो इसके तीन क्राइटेरिया है। पहला, अगर दो भी एंगल इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल है, तो तुम्हारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से। दूसरा, साइड साइड साइड, तो यहाँ पे साइड इक्वल होगा क्या होगा बताओ? प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पे साइड को इक्वल नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझना ध्यान से, दो ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है ए ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। 2, 4, 3, 6, 5 and 10। अब जाकर के ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा, क्योंकि देखो तुम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो। तो अब यहाँ पे भी जो एक चीज याद है, हम तुमको कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल का नाम लिखना बोलते थे, अच्छे से लिखा करना, ध्यान में है? यस सर, यस सर। बस वो फंडा इधर भी लगाओगे, अगर ट्रायंगल का नाम लिखने में दिक्कत करो, गलत होगा, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। उस चीज को एकदम अपने दिमाग में रखना, जो हम कॉन्ग्रुएंसी में बोला करते थे ट्रायंगल का नेम जो तुम लिख करके फाइनल रिजल्ट लिखते हो, उसको अच्छे से लिखना, वो काम यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे देखो रेशियो किसका किसका बराबर दिख रहा है, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो देखो 2/4 1/2, 5/10 ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा? एस 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 से। ट्रायंगल का क्या नाम लिखेंगे? तो ए बी ये किसके सिमिलर है, ए बी साइड किसके रेशियो के बराबर गया है, डी के, तो तीसरा अब सी आ जाएगा और इधर एफ आ जाएगा। तो देखो अब दो तरीका क्वेश्चन तुमको मिलेगा यहाँ से, पहले से तुमको दिया हुआ रहेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है पहले से, जैसे तुमको दे देगा कि ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई, तो यहाँ पे रेशियो क्या क्या बनेगा, तो ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय एफ ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। तो कहीं भी तुमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर तुम आराम से दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख सकते हो। और कैसे लिखोगे रेशियो, ये क्लियर हुआ सबको? बताओ रेशियो कैसे लिखोगे, क्लियर है? जैसे कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल ढूंढ लेते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे रेशियो इक्वल कर देना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो दो ट्रायंगल कैसे कैसे सिमिलर हो सकता है, आइदर दो एंगल इक्वल हो जाए, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा आइदर एंगल एंगल से या साइड 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 से, या तो तीसरा इसका एक और होता है साइड एंगल साइड से। बस यही तीन क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, क्लियर?
कैसे प्रूफ करोगे, नाम कैसे लिखोगे, इन सब छोटा छोटा चीज पे ध्यान देना, तुम्हारा ट्रायंगल का नेमिंग करना और साइड एंगल साइड ये है क्या साइड एंगल साइड, दो साइड का कोरस्पोंडिंग रेशियोस, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे ये दोनों एंगल 30 और 60 दे रखा है, तो ये ट्रायंगल का नाम आप क्या लिखेंगे फिर से, ये जैसे तुमको ये 5 और ये 10 नहीं दिया है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड से, ठीक है, एंगल इक्वल होगा, ये नहीं कि एंगल का भी रेशियो निकालने चले जाना, ठीक है। तो आप एंगल 30 और 60 दिए, 30 और 60 लिखे हैं, ओके 60 एंड 60 होगा, छोटा छोटा गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का क्राइटेरिया, इसी में यहाँ पे इक्विएंगुलर लिख दिया, तो इक्विएंगुलर करने का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे, क्लियर। साइड 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 है, फिर साइड एंगल साइड है, इसका तीनों थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। तुम लोग से एक काम रहेगा कि अप टू थ्योरम नंबर 9 एक एक करके देख लेना, अच्छे से सारे थ्योरम का प्रूफ करके आना, अगर कोई भी थ्योरम में डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना। सर एक डाउट बता सकते हैं? क्या सर एक क्वेश्चन था, बहुत इजी, मतलब क्वेश्चन इजी है, कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर विदाउट डायरेक्ट डिवाइडिंग, कुछ मेरे को वो नहीं करना। अच्छा, नहीं हम ये रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू करके कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, पी वाई क्यू का कॉन्ट्राडिक्शन, पी वाई क्यू आई थिंक, हाँ वो भूल गए। नहीं नहीं हम पढ़ाएंगे रियल नंबर जब शुरू करेंगे ना 10 का, तो हम पढ़ा देंगे उस चीज को आज ही, क्या हाँ 10th में सबसे पहला चैप्टर में वही सब पढ़ना है, तो हम वो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9th में दिया हुआ था, अरे नहीं 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 वो 9th का पार्ट ही नहीं है, कैसे 9th में दे दिया है, 9th में पढ़ना ही नहीं है, जबरदस्ती 9th में दे दिया है। यस सर। अच्छा नहीं 9th में दिया है, यस सर दिया है, नहीं पता लेकिन क्वेश्चन मिला था। नहीं ठीक है, वो सब हम सब पढ़ाएंगे, रियल नंबर शुरू करेंगे ना 10 का, ये चैप्टर हो जाएगा तो फिर हम एकदम सीरियली पढ़ाना शुरू करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एक बचा है उसको कंप्लीट करके फिर एकदम ये सीरियल वाइज जैसे जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे वैसे पढ़ाना शुरू करेंगे, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कर लेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद जैसा जैसा सीरीज में चैप्टर दे रखा है उस तरीके से हम खत्म करेंगे। तो रियल नंबर में ये सब कुछ पढ़ना है, इरेशनल प्रूफ करना और ये सब कुछ, ठीक है। चलो तो आज हम पहले छोड़ दे रहे हैं, जाओ सर। एक और बोल चीज बोलना था, हाँ, सर अगली क्लास भी 11th का क्लास लगेगा क्या? नहीं, अगले 10th वालों का प्री बोर्ड चल रहा है, उसके अगले सर, से... तो, सर आप अपना क्लास को कम नहीं कर सकते हैं प्लीज? क्या हो गया सर? हमको थोड़ा टाइम चाहिए सर, मतलब बायोलॉजी के लिए अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा है सर हमको। 1 बजे तक स्कूल हो जाता है, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है ताकि 9 बजे तक। 4 दिन मेरी क्लासेज होती है, 4 ही दिन है ना सर, टाइम खा जाता है मेरा सब, मतलब सिमिलैरिटी चालू हो गया तो फिर उस